अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका ऑनलाइन टीचर सर एहसन और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें आप बहुत सारी मालूमात इकट्ठा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास का तीसरा चैप्टर का चौथा लेसन स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें पेज नंबर 29 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जल्दी से बुक्स ओपन कर लीजिए। लास्ट में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है, जो हमारे कुदरती वसाइल हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे थे। पहले पीरियड में हमने उसका इंट्रोडक्शन लिया था, दूसरे पीरियड में हमने जंगलात और पानी के बारे में पढ़ा था, तीसरे पीरियड में हमने मादनी ईंधन यानी के फॉसिल्स फ्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ऐसे फ्यूल्स जिनको जलाया जाए तो वो हीट प्रोवाइड करें, ऐसे फ्यूल्स कहलाते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स, मादनी ईंधन। तो प्यारे बच्चों, तीन तरह के होते हैं, कुदरती गैस और नेचुरल गैस और इसके अलावा क्रूड ऑयल और कोल। ठीक है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मिनरल्स। क्या स्टडी करने जा रहे हैं? मिनरल्स, इसको उर्दू में कहते हैं मादनियात। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मादनियात। ठीक है, सो कुदरती वसाइल में आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स यानी मादनियात। क्या है? मिनरल्स यानी मादनियात। प्यारे बच्चों, जिस तरह से ज़मीन को खोद के फॉसिल्स फ्यूल्स निकाले गए थे, मादनी जो है हमारे पास मादनी अंदर निकाला गया था, इसी तरह से आपकी ज़मीन को डक करने के बाद आपकी मादनियात निकाली जाती है। उसमें क्या होता है? लोहा होता है, उसमें तांबा होता है, उसमें पीतल होती है, उसमें जो है वो जिप्सम होता है, उसमें नमक होता है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? मादनियात। ज़मीन को खोद के जो चीज़ें निकाली जाएंगी वो तमाम के तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? मिनरल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मिनरल्स मादनियात कहलाती हैं। तो बात क्लियर हो गई। मादनियात भी मादनी अंदर की तरह ज़मीन खोद कर निकाली जाती हैं। क्या करके निकाली जाती हैं? ज़मीन खोद कर निकाली जाती हैं। ज़मीन खोद कर निकाली जाती हैं, ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। जो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होंगी वो मादनियात नहीं कहलाएंगे। सिंपल वर्ड में इसको मादनी ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल्स और मिनरल्स के दरमियान सिंपल सा ये फ़र्क समझ लें। जो आपकी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, आपकी जो ईंधन के तौर पे फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, वो आपकी मादनियात मिनरल्स नहीं कहलाती बल्कि क्या कहलाती हैं? फॉसिल फ्यूल्स। और ऐसी चीज़ें जो कि फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती वो तमाम की तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? मिनरल्स। सिंपल वर्ड में आपको समझा दी डेफिनेशन फिर फॉसिल फ्यूल्स की और मिनरल्स के दरमियान फ़र्क की। सही है, क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल्स? ऐसी चीज़ें जिनको फ्यूल्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, वो तमाम की तमाम चीज़ें, और वो ज़मीन को डक करके निकाली जाए, वो क्या कहलाएंगी? मादनी ईंधन यानी फॉसिल्स फ्यूल्स। और ऐसी चीज़ें जिनको ज़मीन को डक करके, ज़मीन को खोद के निकाला जाए और वो ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल ना हो, ऐसी चीज़ें कहलाती हैं मादनियात। बात क्लियर हो गई? दोनों के दरमियान फ़र्क क्लियर हो गया, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और मादनियात क्या हो, मिनरल्स क्या होते हैं। दोनों निकाले ज़मीन को खोद के ही जाते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक फ़र्क है। सिर्फ जो फ़र्क है वो एक फ्यूल का है। क्या? कि वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और मादनियात फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती बल्कि ये चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल होती हैं। यानी चीज़ें जो हम बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म की, उनको बनाने के अंदर ये जो मादनियात हैं मिनरल से ही इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपका नमक हो गया, क्या नमक को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते? फ्यूल के तौर पर तो नहीं करते, खाना पकाने के तौर पर कर लिया, साबुन वगैरह बना लिए उससे। ठीक है, इस तरह से जो है वो और दीगर चीज़ों में उसका इस्तेमाल होता है, तो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, चीज़ें बनाने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मादनियात का इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है? चीज़ें बनाने में किया जाता है, ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती। सही है, ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। प्यारे बच्चों, सिंपल से ये फ़र्क अपने जहन में रखिएगा। कोई भी आपसे पूछे फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स के दरमियान फ़र्क क्या है, तो आप सिंपल उसको बता दीजिएगा, भाई फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स होते हैं
वो भी ज़मीन को ढक करके निकाले जाते हैं। बस फ़र्क इतना सा है कि फॉसिल्स फ्यूल्स को फ्यूल के तौर पे यानी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और मादनियात मिनरल्स जो होते हैं उनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। दोनों को ज़मीन को ढक करके ही निकाला जाता है। बस इनको दरमियान जो फ़र्क वादा करता है वो किस चीज़ क्या चीज़ करती है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होना और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल ना होना। ऐसी आप कहीं पर भी देखें और जहन में आए कि भाई ज़मीन खोद के निकाली गई थी और फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रही है तो क्या कहलाएगी, मिनरल्स। अगर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही होगी तो क्या कहलाएगी, फॉसिल फ्यूल्स। कोयला फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है ना, ज़मीन ढक करके निकाला जाता है, खोद के निकाला जाता है। मिनरल्स में हम उसको नहीं डाल सकते क्योंकि वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, आपकी नेचुरल गैस हो गई। क्या वो फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है, बिल्कुल होती है। क्या उसको इसमें डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। इसी तरह से आपका क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, होता है बिल्कुल होता है। डीजल फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। मिट्टी का तेल क्या फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको फ्यूल के तौर पे जो चीज़ इस्तेमाल हो रही होती हैं वो मादनियात मिनरल्स नहीं कहलाती। इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क वादा करती है वो सिर्फ फ्यूल्स वादा करती है, दोनों एक ही चीज़ हैं वरना, ठीक है। दोनों को ज़मीन खोद के ही निकाला जाता है, बस ये दोनों के दरमियान क्या कर देती है, फ़र्क वादा कर देती है। बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। तो ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होती और मादनियात क्या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ अशिया की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ अशिया की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, मुख्तलिफ अशिया की तैयारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पे जो आपका लोहा निकाला जाता है वो खाम हालत में होता है, इसमें लोहा तांबा है तमाम चीज़ें मिक्स होती हैं, उसको अलग करके फिर लोहे की मशीनें बनाई जाती हैं, लोहे की डेक्सेस बनाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह से लोहे की दीगर चीज़ें भी बनाई जाती हैं। क्या मादनियात की जो अशियाँ थी, जो मादनियात थी उसको मुख्तलिफ अशिया बनाने की तैयारी में इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अगर लोहे की एग्जांपल ले तो आपके इर्द गिर्द कितनी सारी लोहे की चीज़ें होंगी, डेक्सेस होंगी, सही है। इसके अलावा जो है मशीनें होंगी, इसके अलावा और भी दीगर चीज़ें होंगी, आपकी रॉड होगी लोहे की, इस तरह से आपकी बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होंगी। तो मुख्तलिफ अशिया बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको बात क्लियर हो रही है, वेरी गुड। इसके अलावा अगर आप संगमरमर देखें, संगमरमर देखते हैं, देखा है ना आप लोगों ने पत्थर जो होता है संगमरमर का, जी वेरी गुड। संगमरमर का पत्थर होता है ना, जिसको फर्श के ऊपर जो टाइल बीम वगैरह, हम टाइल बीम नहीं बोलते उसे, संगमरमर का पत्थर बोलते हैं, वो जो है वो फर्श पे ऊपर लगाया जाता है। ज़्यादातर बड़े बड़े जो है घर होते हैं, खूबसूरत कुशादा घर जो होते हैं, उधर जो है वो ये मार्बल लगी हुई होती है। मार्बल इंग्लिश में मार्बल, उर्दू में संगमरमर, ठीक है। तो इससे भी गराइशी वगैरह घर बनाने में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ग्रोमाइट हो गई, आपकी पेंसिल की नोक होती है, जी बिल्कुल, वो पेंसिल की नोक आपकी कोयले से नहीं बनती है, बल्कि क्रोमाइट किससे बनती है, ग्रेफाइट, सॉरी ग्रेफाइट जो है वो आपका एक आंसर है, आपका एक एलिमेंट है, उससे जो ज़मीन को खोद के निकाला जाता है, ठीक है। मिनरल्स के अंदर इसका शुमार होता है, एक एलिमेंट है जिसको निकाला जाता है, उसके जो अंदर आपकी पेंसिल की नोक होती है, वो जो पेंसिल की नोक बनती है वो आपकी ग्रोमाइट से को ग्रेमाइट से सॉरी ग्रेफाइट से बनती है, किससे बनती है, ग्रेफाइट से बनती है। यहाँ तक बातें क्लियर है तमाम, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों इसमें जो पहली हेडिंग है आपके पास वो है नमक, किसके बारे में पढ़ेंगे, नमक के बारे में, कि नमक आपका कहाँ से निकाला जाता है, उससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो प्यारे बच्चों इसका इस्तेमाल जो है वो खाना खाने के अलावा साबुन बनाने में भी होता है, खाने के अलावा साबुन बनाने में भी होता है, सही है प्यारे बच्चों। इसका इस्तेमाल खाने बनाने के साथ साथ आपका साबुन बनाने में भी इस्तेमाल होता है, हत्या कि आपका जो टूथपेस्ट वगैरह आता है उसमें भी जो है वो ये नमक का शुमार होता है। आपने सुना होगा आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, सही है, इस तरह से
जो है वो एड वगैरह आ रहा होता है तो इसमें बोलते हैं, ठीक है। तो खाना बनाने में भी इस्तेमाल होता है, साबुन वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल होता है, इसके अलावा टुपेस वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा दूसरे कीमियाई मादा जो होते हैं वो ही बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सबसे ज़्यादा कहाँ से निकाला जाता है, इसके ज़खायर कहाँ कहाँ मौजूद हैं? तो प्यारे बच्चों, इसके अगर ज़खायर की बात करें, यानी ये कहाँ कहाँ से ज़्यादा तादाद में निकाला जाता है, तो प्यारे बच्चों, इसके ज़खायर दरअसल सूबह बलूचिस्तान और सूबह खैबर पख्तूनख्वा में। कहाँ हैं? सूबह बलूचिस्तान, सूबह बलूचिस्तान और सूबह खैबर पख्तूनख्वा, सूबह खैबर पख्तूनख्वा। सही है, आपका सूबह सरहद का पुराना नाम क्या है? सूबह खैबर पख्तूनख्वा। सही है, तो इसमें भी जो है वो आपका जो ज़खायर है नमक के वो पाए जाते हैं, यानी नमक ज़्यादा तादाद में यहाँ से भी निकाला जाता है। तो तमाम बच्चों को नमक क्लियर हो गया, वेरी गुड। इसके बाद नमक के बाद है जिप्सम। क्या है? जिप्सम। आप बोलेंगे ये कैसा नाम है? जी बिल्कुल, ये भी आपका जो है वो एक ख़ास किस्म का जो है वो अंसर है, एलिमेंट है। सही है, आपका मिनरल से जिसको मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब जिप्सम से क्या बनाया जाता है? जिप्सम से आपकी सीमेंट की तैयारी की जाती है। आपका सीमेंट होता है प्यारे बच्चों? जी, घर वगैरह बनाने में जो सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी के अंदर बजरी में जो है सीमेंट मिलाते हैं, मिलाने के बाद माल बनाते हैं और फिर जो है घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सीमेंट होता है वो किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। किससे बनता है? जिप्सम से। अगर आपसे पूछे भाई ये सीमेंट किससे बनता है, तो आप क्या बोलेंगे? ये जिप्सम एक ख़ास किस्म का एलिमेंट है, मिनरल है, जिससे जो है वो सीमेंट को बनाया जाता है, सीमेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल होता है। सही है, सीमेंट बनाने में इसको क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा पाकिस्तान में अगर इसके ज़खायर मालूम किए जाएं कि ये जिप्सम कहाँ पर ज़्यादा तादाद में निकाला जाता है, किस इलाके में ये ज़्यादा तादाद में पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों, इसके ज़खायर हैं दाऊदखेल और बलूचिस्तान, सूबह पंजाब, सूबह पंजाब में दाऊदखेल में, दाऊदखेल, दाऊद खेल और सूबह कौन सा? बलूचिस्तान, सूबह बलूचिस्तान। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, सही। जिप्सम भी क्लियर है आपको? जिप्सम को किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों? जिप्सम को आपके सीमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, वेरी गुड। इसके बाद जिप्सम के बाद है लोहा। क्या है लोहा? लोहे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आयरन। क्या बोलते हैं? आयरन। आयरन मूवी, आयरन मैन मूवी देखी है? जी, उस पर पूरा जो इंसान होता है वो किसका होता है? लोहे का होता है। सही है, तो हम जो है वो लोहे के बारे में पढ़ रहे हैं कि लोहे को किस किस इस्तेमाल में लिया जाता है। सही है, ठीक है, चलें। तो प्यारे बच्चों, लोहे से भारी मशीनें, गाड़ियाँ क्या बनाई जाती हैं? भारी मशीनें, भारी मशीनें और मशीनें, गाड़ियाँ। सही है, इसके अलावा आपके घर में जो चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी किससे बनाई जाती हैं? आपकी लोहे से बनाई जाती हैं। इसके अलावा आपके इसका इस्तेमाल इमारतें बनाने में भी होता है। इमारतें बनाने में कैसे होता है प्यारे बच्चों? आपकी छत वगैरह डलती है तो आपने देखा होगा, आपकी जब छत डलती है तो पहले सरिया बिछाया जाता है, सरिया बिछाते हैं, सरिया बिछाने के बाद बांधते हैं, बांधने के बाद फिर उसके ऊपर माल बना के डालते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर फर्श नीरू वगैरह डालते हैं, तो फिर उसके बाद वो फर्श डलता है। इसके अलावा सही है, तो इसका इस्तेमाल किस में होता है? लोहे का इस्तेमाल आपका इमारतें बनाने में भी किया जाता है। इमारतें बनाने में कैसे कहते हैं?
प्यारे बच्चों, जब भी छत डाली जाती है तो छत डालने के बाद उसके ऊपर लोहा बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर माल वगैरह डाल के, नीरू वगैरह डाल के फर्श डलता है। सही है। तो इमारतें बनाने में भी, इमारतें बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इमारतें बनाने में भी जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। इसके अलावा लोहे से स्टील बनता है, जिस बर्तन और दीगर चीज़ें बनती हैं। ठीक है, लोहे से क्या बनता है? स्टील बनता है। और स्टील से आप क्या बनाते हैं? बर्तन वगैरह और दीगर चीज़ें बनाते हैं। आपके प्लेटें हो गई, सही, आपके चम्मच हो गए, स्पूंस, ठीक है, प्लेट्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें किससे बनती हैं? नाइफ्स, ठीक है, फोर्क, ये तमाम की तमाम चीज़ें किससे बनती हैं? आपकी लोहे से बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको बातें क्लियर है? मादनियात क्या होती हैं प्यारे बच्चों? मादनियात ऐसी चीज़ें जिनको ज़मीन खोद के निकाला जाए और इनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि मुख्तलिफ अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो तमाम के तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? मादनियात। मादनियात और फॉसिल फ्यूल्स होते एक ही हैं, निकाले ज़मीन के नीचे से ही जाते हैं, लेकिन इनके दरमियान जो फ़र्क है वो दरअसल फ्यूल का है। अगर फ्यूल के तौर पे वही चीज़ अगर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है तो वो फॉसिल फ्यूल कहलाएगी, अगर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रही तो क्या कहलाएगी? मिनरल्स कहलाएगी, मादनियात कहलाएगी। तो प्यारे बच्चों, जहन में फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स का कॉन्सेप्ट रखना सही है, कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं और मिनरल्स क्या होते हैं। आपसे कोई पूछेगा ऐसे, इस तरह से पूछ सकता है कि भाई फॉसिल फ्यूल्स भी ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं और मिनरल्स भी ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं, तो दोनों को मिनरल्स क्यों नहीं बोलते? तो आप प्यारे बच्चों उनको ये कह सकते हैं कि भाई इसलिए नहीं कहते क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को जो है, मादनी ईंधन को जो है वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और जो मिनरल्स होते हैं उनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि दीगर अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इमारतें वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा मशीनें वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा घर की जो चीज़ें होती हैं उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसे कॉपी करें। ठीक है, कॉपी कर लिया, वेरी गुड। अब काम क्या करना है आपको? काम देख लें ज़रा जल्दी से। क्लास वर्क चार्ट भी बनाएंगे, अभी बनाएंगे। पहले आप खाली जगह बनाएंगे, खाली जगह पूर करें। चले मैं बनवा देता हूँ खाली जगह आपको, ताकि कन्फ्यूजन ना हो एक दफ़ा, फिर आप खुद बनाएंगे। ठीक है, नंबर वन हमने क्या पढ़ा? मादनी ईंधन मादनियात, सोच के लिखिएगा, ठीक है, जो ब्लैंक्स में है। मादनियात देश के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते। प्यारे बच्चों बताइए, मादनियात किस तौर पे इस्तेमाल नहीं होते? वेरी गुड। तो आपको पता है ना मादनियात को किसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता? वेरी गुड। तो ब्लैंक्स में वो वर्ड आप लिख लीजिएगा, ठीक है, वेरी गुड। नमक का इस्तेमाल खाना बनाने के साथ साथ, खाना बनाने के साथ साथ देश में भी होता है, देश में भी होता है। प्यारे बच्चों, खाना बनाने के साथ साथ किस में भी होता है इसका इस्तेमाल? वेरी गुड। किस में होता है? ठीक है, साबुन बनाने में भी होता है। तो लिख लीजिएगा नंबर थर्ड ब्लैंक्स, देश सीमेंट की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। तमाम बच्चों को पता है ना? वेरी गुड। देश सीमेंट की तैयारी में
इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर जो आएगा ब्लैंक्स में आप लिख लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? सही है, इसे कॉपी करें। ठीक है, कॉपी कर लिया, सही। अब देख लीजिए सवाल नंबर वन क्या चीज़। सवाल नंबर सवालात की हेडिंग डाल लीजिए, सवालात के जवाबात दीजिए। ठीक है, सवालात के जवाबात दीजिए। पहला सवाल, मादनियात से क्या मुराद है? प्यारे बच्चों, मादनियात से क्या मुराद है? मादनियात भी मादनी ईंधन की तरह ज़मीन खोद के निकाले जाते हैं, लेकिन ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होते, इनको मुख्तलिफ अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या कहलाते हैं? मादनियात कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब समझ में आ गया, क्या लिखेंगे? मादनियात मादनी ईंधन की तरह ज़मीन खोद के निकाले जाते हैं, इनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये क्या कहलाते हैं? मादनियात कहलाते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, सही। नमक के वसी ज़खायर कहाँ कहाँ मौजूद हैं? नमक के वसी ज़खायर पाकिस्तान में कहाँ मौजूद हैं? वसी ज़खायर पाकिस्तान में कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में कहाँ मौजूद हैं? प्यारे बच्चों, कहाँ मौजूद हैं? सूबह बलूचिस्तान और सूबह खैबर पख्तूनख्वा में, सॉरी सूबह पंजाब में और सूबह खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। नमक के वसी ज़खायर पाकिस्तान में कहाँ मौजूद हैं? क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। नंबर थर्ड सवाल, लोहे का इस्तेमाल किन चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किन चीज़ों को लोहे का इस्तेमाल किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है? किन चीज़ों को बनाने में किया जाता है? प्यारे बच्चों, इसमें आप बताएंगे कि लोहे का इस्तेमाल किन चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप बताएंगे भारी मशीनरीज बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, खाड़ियाँ बनाने में, जहाज़, लोहे के जहाज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लोहे का इस्तेमाल जो है वो स्टील बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम प्लेटें, चम्मच वगैरह घर की चीज़ें बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो तमाम बच्चे तीन सवाल कर लीजिएगा, और इसके बाद हम इसका मादनियात का जो आगे का टॉपिक है, आगे जो मिनरल्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तमाम बच्चे अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।